अभी क्या कर रहे हो? कुछ अभी नहीं। बेरोजगार घर पे ही बैठे। अच्छा, क्यों आए थे आप यहाँ पे तहसील में आज? अभी 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे 4-4 हैं, उनको खिलाएंगे कुछ भी? राशन कार्ड नहीं है आपका? राशन कार्ड है ना, 6 महीने से नहीं मिल रहा राशन। 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा आपको? 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा। अच्छा, और तहसील जाते हैं तो कहते हैं कि ग्राम पंचायत जाओ, ग्राम पंचायत जाते हैं तो तहसील जाओ। अच्छा, राशन कहीं से भी नहीं मिल नहीं रहा। अच्छा, और पिछले 5-6 महीने में आप क्या काम धंधा कर रहे थे? मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या। और अभी तो अभी कुछ नहीं कर रहे? अभी तो बेरोजगार हैं, अभी लॉकडाउन लगा तो कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? इमरती भाई। इमरती भाई, कहाँ रहते हो? 6 नंबर वार्ड आवास कॉलोनी। यहाँ पे क्या समस्या लेकर आए थे? राशन कार्ड बंद है हमारे, 6 महीना हो गए राशन मिल नहीं रहा घर में। अच्छा। खाने के लिए नहीं है कुछ भी, दुकान खुल नहीं रही, काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा। काम पेट भरेंगे जब महामारी से, तो बाद मरेंगे, पहले भूखों मरेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजय वैष्णव। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तहसील कार्यालय बनखेड़ी में। वर्तमान समय बहुत विपदा का समय है, एक तरफ तो महामारी का आलम है, लोग डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा संकट है वो है लोगों के पास रोज़गार का। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी समस्या बता रहा हूँ जिसको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा। मेरे पीछे ये कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये महिलाएं हैं, ये मजदूरी का काम करते हैं अधिकतर। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की है कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा ताकि जो गरीब लोग हैं उनका पेट भर सके, जिनके राशन कार्ड हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये देश की समस्या ही कहें, हमारे प्रदेश की या गरीबों की, ये लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 6-6 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। स्थिति आपके सामने है, लोगों के पास रोज़गार वैसे ही कम है और दूसरी तरफ इनको राशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसी भी, ये महिलाएं हैं, जब मैंने इनसे बात करी तो इनके राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड की स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। पहुंच पकड़ जान पहचान का नतीजा ये होता है कि कई लोग हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद हैं, जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, उनके पास राशन कार्ड है और उनको अनाज मिल भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे गरीब व्यक्ति हैं प्रदेश में, देश में, जिनकी पहुंच पकड़ नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये बात बताने की नहीं है, अगर हम खोज में निकल जाएं तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो तहसीलदार महोदय हैं उन्होंने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र ही इनकी समस्या का समाधान निकालेंगे, और जो जांच अधिकारी कर्मचारी थे उनसे बात भी करिए। राशन कार्ड बंद है हमारे, 6 महीना हो गए राशन मिल नहीं रहा घर में। अच्छा। खाने के लिए नहीं है कुछ भी, दुकान खुल नहीं रही, काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा। काम पेट भरेंगे जब महामारी से, तो बाद मरेंगे, पहले भूखों मरेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बड़ी बात है, ये जो गरीब व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि महामारी से तो बाद में मरेंगे, पहले भुखमरी से मर जाएंगे। निश्चित तौर पर हम इनकी आवाज़ उठाते हुए, जो जिम्मेदार हैं, जो जिनके ऊपर व्यवस्था बनाने की जवाबदारी है, उनसे ये आग्रह करेंगे कि शीघ्र ऐसे लोगों को पहचानें और इनकी जो समस्या है उनको पूरा करें। साथ ही साथ मैं NVTV के माध्यम से ये आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अगर ऐसी कैटेगरी में आते हैं, यदि आपके पास भी कोई गरीब व्यक्ति है, वो राशन से वंचित है, उसके अधिकार से वंचित है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे और जो शासन प्रशासन स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको समाधान करवाने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर ये हम सभी की आज वर्तमान समय में की जवाबदारी है कि हमें स्वयं को तो बचाना है, साथ ही साथ लोगों का सहयोग करना है, तभी हम इस महामारी से, आने वाले संकट से जीत पाएंगे। शासन प्रशासन स्तर पर जो बन पड़ रहा है वो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आम जनमानस को भी आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, तभी जाकर हम इस महामारी से जीत पाएंगे। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। संजय वैष्णव की खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।